महाराष्ट्र में सीएम को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान तेज हुई। मुंबई के वर्ली में आदित्य ठाकरे के समर्थन में लगे पोस्टर, बताया महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन पर दी जीत की बधाई, दिवाली के बाद हो सकती है मुलाकात। शिवसेना नेता संजय राउत ने कार्टून के जरिए बीजेपी को चेताया, शिवसेना के चुनाव चिन्ह शेर के पंजे में कमल और गले में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के साथ कार्टून किया पोस्ट, लिखा बुरा न मानो दिवाली है। मुंबई में शिवसेना के नए चुने गए विधायकों ने मातोश्री में लगाई हाजिरी, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बारामती में एनसीपी नेता शरद पवार बोले, जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए दिया है आदेश, नहीं बनाएंगे सरकार। बीजेपी को बाहर रखने के लिए शिवसेना को समर्थन देने से कांग्रेस का इनकार, कहा हमें मिला है विपक्ष में बैठने का जनादेश। प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा, अगर शिवसेना ने हमसे समर्थन मांगा तो केंद्रीय नेतृत्व से लेंगे राय, कांग्रेस ने 288 सीटों वाली विधानसभा में 44 सीटें हासिल की हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर आई हैं 24 महिलाएं, 2014 से दो ज्यादा। बीजेपी ने दी थी 17 महिलाओं को टिकट, जिनमें से 12 जीत कर आई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दोनों बेटे अमित और धीरज देशमुख लातूर शहर और लातूर ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे चुनाव। सतारा से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे शिवाजी के 17वें वंशज उदयन राजे भोसले, कहा हारा हूं खत्म नहीं हुआ। भोसलेमई में एनसीपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा में आए थे, पर विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए और उपचुनाव में हार गए। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाताधारकों का प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर की नारेबाजी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पुणे में पेट्रोल टैंकर पलटने से लोगों में अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड ने हालत पर काबू पाया। धनतेरस पर 220 रुपए उछलकर 39,240 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, चांदी में 670 रुपए की बढ़ोतरी। धनतेरस पर फीकी रही सराफा बाजार की रौनक, सोने चांदी की बिक्री में 40 फीसदी तक गिरावट दर्ज। जुलाई सितंबर तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा, दूसरी तिमाही में 3012 करोड़ का प्रॉफिट, एनपीए भी घटा। 37 पॉइंट्स बढ़कर 39,058 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी एक अंक बढ़कर 11,583 पर बंद। इंच रेटिंग्स ने 2019-20 के लिए घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, 6.6 फीसदी से 5.5 फीसदी किया आंकड़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में करीब 5 करोड़ स्मार्टफोन्स की बिक्री, फिर टॉप पर पहुंचा Xiaomi। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग सुधार के लिए सरकार की तैयारियां, जीएसटी को और आसान बनाने की योजना। अक्षय कुमार को धूम 4 में लिए जाने की अटकलों पर आया यशराज बैनर्स ने गलत बताया, कहा मेकर्स के पास धूम 4 के लिए ना कोई आइडिया है और ना भी स्क्रिप्ट तैयार है। द्रौपदी का किरदार निभाएंगी दीपिका पादुकोण, प्रोड्यूसर मधु मनेता द्रौपदी की नजर से बनाएंगे महाभारत, अगली दिवाली पर होगी रिलीज। चर्चा है शेखर कपूर की फिल्म करेंगे शाहिद कपूर, फिल्म को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं शाहिद कपूर। वायरल हुआ टाइगर श्रॉफ के डांस का वीडियो, करिश्मा कपूर के गाने पर डांस का वीडियो टाइगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद एक तरफ बीजेपी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की खुशी है तो सीटें कम होने का गम भी है। बीजेपी की सीटें कम होते ही शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। उसने साफ साफ कहा है कि 50-50 का फॉर्मूला लागू होगा। महाराष्ट्र में जीत का कमल तो खिल गया, लेकिन सत्ता के लिए खेल शुरू हो गया। बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी 161 पर अटक गई। बीजेपी को 105 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली है। यानी बीजेपी अकेले 288 सीटों वाली विधानसभा में जादुई आंकड़े 145 तक नहीं पहुंची है और अब शिवसेना अपनी पार्टनर बीजेपी पर शर्तों के साथ सवार है। रिजल्ट आते ही उद्धव ठाकरे ने 50-50 का फॉर्मूला छेड़ दिया और बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। समर कसा लीन बाबा। संकेत साफ है कि शिवसेना के मन में महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही।
इस बीच मुंबई में आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री बताकर बधाई देने वाले बैनर लग गए हैं। मतलब साफ है कि शिवसेना महाराष्ट्र की कुर्सी पर दावा ठोक रही है। गठबंधन की जब बात चल रही थी और अमित शाह जी जब मातोश्री पर आए थे तो दोनों में एक फॉर्मूला पावर शेयरिंग का तय हुआ है, दोनों में तय हुआ है। और लगता है कि बीजेपी और शिवसेना, ये उद्धव जी और अमित शाह जी, जो दोनों में तय हुआ है वो लेकर आगे जाएंगे। तो 50-50 रहेगा? मैंने क्या कहा आपको, ये 50-50 की बात जो है वो अमित शाह साहब के सामने मुख्यमंत्री ने बात मीडिया के सामने उस वक्त वर्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इतना ही नहीं, आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी बीजेपी को बेचैन करने वाला एक और संकेत दिया गया। महाजनादेश का महा काट कर जीत का कद छोटा कर दिया गया। इन सब से समझ में यही आ रहा है कि महाराष्ट्र में सीएम के लिए कुछ तो गड़बड़ है। जहां तक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सवाल है, हमारा जो लास्ट एक्सपेंशन हुआ लास्ट, उस समय भी मैंने शिवसेना को यह कहा था कि अगर आप आपके किसी व्यक्ति को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई ना नहीं है, वी आर रेडी। पर उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अभी हम नहीं बनाना चाहेंगे किसी को। इस चुनाव ने महाराष्ट्र में हालात बदले हैं, बीजेपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी। लोकसभा चुनाव तक रिश्ते में बीजेपी का बोलबाला था, लेकिन जैसे ही बीजेपी शिवसेना पर निर्भर हुई, उद्धव ने पासा फेंक दिया। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें एक टाइगर के हाथ में कमल का फूल और गले में एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। वैसे कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने ही शिवसेना को समर्थन देने से मना कर दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक बयान ये भी आया है कि अगर शिवसेना समर्थन मांगती है तो वो सोच सकते हैं। महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। मोदी ने भले ही देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे हो, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का रिकॉर्ड भी बता दिया, लेकिन शिवसेना रिकॉर्ड नहीं फायदा देख रही है। शिवसेना सीएम की कुर्सी भी देख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का गेम अगर किसी ने बिगाड़ा है तो वो है शरद पवार। शरद पवार जी का नेतृत्व भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहा हमेशा। शरद पवार साहब या उनकी पार्टी या कांग्रेस महाराष्ट्र में उनकी जड़ें पहले से बहुत मजबूती से है। हम उसको भूल कर अगर राजनीति करेंगे तो ये गलत है। पवार साहब ने उनकी लीडरशिप का करिश्मा दिखाया है, ये भी मानना पड़ेगा। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से साबित कर दिया है कि वो 79 के जरूर हो गए हैं, लेकिन वो अभी थके नहीं हैं। उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। शरद पवार की एनसीपी ने 54 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटें जीती हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के खाताधारकों ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले वर्षा के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आचार संहिता हटने के बाद वो पीड़ित खाताधारकों को राहत देने के लिए जरूर कदम उठाएंगे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री को यही वायदा याद दिलाने के लिए पहुंचे थे। कैसी दिवाली, कौन सा धनतेरस, ये सवाल आरबीआई से पूछने पीएमसी बैंक की खाताधारक महिलाएं आज एक बार फिर सड़क पर उतरी। इस वक्त हम पूनम नगर अंधेरी में मौजूद है, जहां पर पीएमसी बैंक के कस्टमर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धनतेरस का आज दिन है। पीएमसी बैंक से पैसे निकालने की आरबीआई की पाबंदी के बाद करीब 17 लाख बैंक के खाताधारक प्रभावित हुए हैं, जो करीब एक महीने से कहीं न कहीं रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कुछ पीड़ित खाताधारक मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा के सामने भी प्रदर्शन करना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद छोड़ा। जबरदस्ती से कहां लेके जा रहे, वो भी नहीं बता रहे। पीएमसी बैंक में करीब एक दशक से फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा था। एसजीआईएल ने बैंक को लगभग 4.25 करोड़ का चूना लगाया। इस बैंक में ग्राहकों का 11,500 करोड़ रुपया जमा है। बैंक की शाखाएं पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी हैं।
बैंक के लगभग 4 खाताधारकों की मौत हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।